दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 14 सितंबर 2022। और अभी मैं आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 12 के पास में हूँ। लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था वेलकम होटल द्वारका सेक्टर 10 में ही। कल भी द्वारका सेक्टर 10 में ही लास्ट स्टॉप हुआ था, तो आज भी वेलकम होटल पे ही ड्रॉप हुआ है द्वारका सेक्टर 10। वहाँ से मैं फिर इधर सेक्टर 12 आ गया। तो आज दोस्तों मैं मॉर्निंग में मतलब निकला था करीब 7:30 बजे और अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 6 बजने वाले हैं और मैं जल्दी आ गया। मतलब घर की तरफ की राइड मैंने डाली थी, तो मैं हुमायूंपुर था जब मैंने ट्रिप डाली लोकेशन की, तो वहाँ से सीधा इसने मेरे को दाबड़ी की राइड दे दी। तो दाबड़ी से फिर मेरे को इधर की द्वारका सेक्टर 10 की आपके महावीर इनक्लेव से मिल गई थी। तो आज सुबह मैं 7:30 बजे निकला था और सुबह जैसे ही ट्रिप ऑन करी तो ऑन करते ही आपको बताइए ये हरियाणा की मेरे को ट्रिप देता है। तो आज हरियाणा की ट्रिप दी इसने ज़रूर, पर बहुत लंबी ट्रिप दे दी थी, मतलब मानेसर से भी थोड़ा सा आगे की दी थी। तो वहाँ की ट्रिप पीछे द्वारका एक्सप्रेस से लेकर गया 40 किलोमीटर की ट्रिप। सर वाली ट्रिप में जो फेयर मुझे मिला था 685 रुपये का कैश अमाउंट बना था, जिसमें से जो मुझे मिला था वो 486 रुपये। और प्लस दोस्तों मैं आपको कई बार मैंने बोला था कि अगर आप गुड़गांव जाते हो और अगर बैक साइड वाले साइड से जाते हो, ये जो बजगेड़ा छावला रोड वाला जो MCD टोल पड़ता है इस तरफ से आप निकलते हो तो ऊबर आपके उसमें फेयर में 100 रुपये ऐड करता है। तो वही चीज़ आज मेरे को मिली है, 100 रुपये, मतलब 486 फेयर मिल गया, 100 रुपये का ये टोल मिल गया, साथ में ऐड होके 586 हो गए, 100 रुपये मुझे हरियाणा का एंट्रेंस स्टेट वाला मिल जाएगा जो कि कल आएगा। तो पूरे के पूरे जितने 685 थे 1 रुपये एक्स्ट्रा करके मेरे को पूरे 686 रुपये 40 किलोमीटर की ट्रिप में पूरा का पूरा फेयर मुझे मिल गया। तो मतलब अच्छा भी लगा कि टोल मिल गया। तो आप भी अगर जाओ दोस्तों, अगर आपके पास ट्रिप आती है इधर द्वारका एक्सप्रेस साइड की, तो डेफिनेटली आपके ट्रिप में भी ऐड होगा और किसी भाई के भी ट्रिप में ऐड होता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं तो पहले भी आपको बताया था कि इस साइड से जाता हूँ तो ऊबर मतलब टोल ऐड करने लग गया है, तो 100 रुपये मतलब ये ऐड कर देता है प्लस अलग से एंट्री वाला भी दे देता है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है उस साइड से आने में। तो वहाँ पर मैंने मानेसर साइड छोड़ा था, मानेसर से फिर मेरे पास बुकिंग आने लगी थी अमेठी साइड की, मतलब 3-3 किलोमीटर से पिकअप हो रहा था अमेठी, 10 मिनट का वहाँ से रास्ता था। तो मैंने कम से कम एक ट्रिप मेरे पास 3 बार आई तो उसको मैंने स्किप करी, फिर दूसरी आई वो भी अमेठी की साइड की थी उसको भी स्किप करी, फिर मैंने सोचा यार 6 ट्रिप मैं यहाँ से स्किप कर चुका हूँ, मेरा एक्सेप्टेंस रेट कर देगा ऊबर खराब, जो कि अभी धीरे धीरे सुधर रहा है और मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट खराब हो, इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट गाजियाबाद की ट्रिप लगा दी लोकेशन। तो मैंने कहा यहाँ से निकल जाऊँगा तो सही रहेगा, तो मेरे पास गाजियाबाद की तो ट्रिप नहीं आई पर दिल्ली की आ गई थी, सेंट्रल सेक्रेट एरिया की बजी थी बट उसने तुरंत ही कैंसिल कर दी, वो भी 3 किलोमीटर दूर से थी। फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास आई BL कपूर हॉस्पिटल की, तो वहाँ से मैं मतलब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से 2 किलोमीटर की पिकअप था, मैंने हाईवे से पिकअप लिया मैंने फटाफट, और उनका जो बिल बना था दोस्तों 819 रुपये का बिल था और मुझे जो मिले थे 577 रुपीज़, 50 किलोमीटर में 577 रुपीज़ वो दिए थे और 100 रुपये MCD टोल, तो 677 ये हो गए थे और 685 वो हो गए। तो मेरा मतलब 1300 समथिंग का मेरा काम 1340 तक का, 1300 मतलब 1350 तक का मेरा 2 ही ट्रिप में काम हो गया था सुबह। तो मतलब आज सुबह निकला सही टाइम पे था, तो वही चीज़ है दोस्तों, टाइम भी अच्छा होता है सुबह, अगर जितने जल्दी निकलोगे तो आपको अच्छी ट्रिप्स भी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लेने की कोशिश करो और कोशिश करो कि हर ट्रिप को पूरा करो। बस थोड़ी सी कुछ लोकेशंस की ट्रिप होती है जो बेकार सी होती है, जिसको लेना मतलब सरदर्दी हो जाती है, तो उसको थोड़े से स्किप कर दो, बाकी जो लंबी ट्रिप है उसको लोगे तो आपको बेनिफिट है। आप मेरे पास आ रही थी तो लोकेशन का नाम पता नहीं क्या कसन करके कुछ लिखा हुआ था हरियाणा का, तो मैंने जब गूगल मैप में डाल के देखा तुरंत तो वो मानेसर साइट का दिखाया था, तो मैंने कहा यार ले लो इस ट्रिप को, तो इस ट्रिप को ली तो उसका बेनिफिट मेरे को मिल गया। तो मतलब 12 बजे तक मेरा 12:30 तक मेरा आराम से काम हो गया था 1350 तक का। तो वहाँ से फिर मेरे पास धीरे धीरे करके मतलब पूरा कंप्लीट शाम तक मतलब जितना काम मैं करता था उतना मैं आज जल्दी भी हो गया और लोकेशन डाली थी तो लोकेशन भी जल्दी से ले आया यहाँ पर।
तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मतलब आपने देखा होगा मैं कई बार काफ़ी ड्राइवर भाई को अलर्ट करता हूँ कि दिल्ली की इस लोकेशन पे आप खड़े हो रहे हो तो 5 नंबर वाले आपकी गाड़ी का चलान कर रहे हैं। चलान वही करते हैं कि आप जैसे मैंने यहाँ साइड में लगा दिया द्वारका सेक्टर 12 में, मैंने पूरा देख लिया है कि आगे पीछे कहीं बस लाइन नहीं है, कुछ नहीं है और सिटी सेंटर मॉल है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा दी है। पर आप भी जब लगाते हो दोस्तों, आपने देखा होगा ये 5 नंबर वाले इतने ज़्यादा परेशान करने लग गए हैं आजकल, और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों को ही परेशान कर रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये प्राइवेट गाड़ियों से भी चलान वसूले। प्राइवेट गाड़ी वाला बस स्टैंड के आगे भी लगा के रखेगा तब उसको भी नहीं पकड़ेंगे ये। तो मतलब जो भी मतलब हम लोग ही टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं और हम ही लोग चलान भी इनको ज़्यादा दें, तो ये इनकी थिंकिंग है। और अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है एक ड्राइवर भाई की, आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप वगैरह पे है, मेरे पास वीडियो है दोस्तों पर मैं उसे चला नहीं सकता क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं है। तो मतलब उस जो 5 नंबर वाला है इतना मतलब सब उसके पास कागज वागज सब कुछ है, उसके बावजूद इतनी उसको गालियां वो दे रहा है। मतलब आप गाली कैसे दे सकते हो किसी को, आप आपके पास इतना राइट्स नहीं है कि आप किसी को गाली दे सकते हो या किसी गिरबान पर कर सकते हो या किसी को हाथ उठा सकते हो। दोस्तों आपका काम है चलान करना, आपका काम है डॉक्यूमेंट देखना, डॉक्यूमेंट देखिए पूरे हैं तो आप क्यों उससे उलझ रहे हो। तो यही सब चीज़ें अभी इस भाई की वीडियो जो है वायरल हो रही है काफ़ी, और मतलब ये लगा लो कि ऐसे इस तरीके से 5 नंबर वाले परेशान कर रहे हैं। अभी भी मैं द्वारका रामफल चौक की रेड लाइट क्रॉस करी थी, सेक्टर 10 कोर्ट की तरफ आते हुए मैंने देखा एक ऑटो वाले को रोक रखा है 5 नंबर वाले। अब वो मतलब ऐसे हाथ जोड़ रहा था उसके जो वो है पुलिस आपका एनफोर्समेंट टीम वाले के, तो मतलब उसकी मतलब सुन ही नहीं रहा बंदा, चलान काटने में लगा। अरे यार तुम देख तो लो, वो ऑटो वाला बेचारा क्या कमाता होगा वो, हैं किसी तरह पूरी तरीके मेहनत कैब वाले हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा कमाई थोड़ी ना होती है। अब वो इतना मेहनत करते हैं उसके बावजूद आप लोग क्या है कि परेशान करने में, अब इनको क्या है अपने टारगेट करना होता है, कुछ भी रीज़न चाहे आपके ने मतलब छोटी सी छोटी कमियां जो होती है वो भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आजकल क्या है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा अति कर दी है 5 नंबर वालों ने, एनफोर्समेंट टीम ने, जब से ये DTC बस की लाइन का सिस्टम चालू हुआ है तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गई है, ऑटो वालों को भी दिक्कत हो रही है, हम लोगों को कैब वालों को तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, खासकर कश्मीरी गेट पे। तो दोस्तों मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था 10-10 गाड़ियां एक ही बार में रोक लेते हैं, कश्मीरी गेट साइड हो गया, जनकपुरी साइड हो गया, ये ऐसी लोकेशन है जनकपुरी में लाजवंती फ्लाईओवर से दोस्तों लेफ्ट लोगे आप जब CNG डलवाते हो तब मायापुरी की तरफ जाते हो, तो वहाँ कभी गलती से मत लगा लेना बस स्टैंड पे, वहाँ हमेशा आप ये लगा लो 5 मिनट होंगे नहीं दूसरी एनफोर्समेंट की गाड़ी आ जाएगी। तो कोशिश करिए कि वहाँ पर गाड़ियाँ ना लगाए जिससे चलान से बचा जाए। और देखो इस भाई के साथ कितना गलत हुआ, इस भाई को इतनी गालियाँ बकरा है, तो मतलब ये है कि इन लोगों को कुछ नहीं वो पड़ता। एक ड्राइवर है वो सोचता है कि बस कुछ भी चलान और धमकी और दे रहा है कि तेरा चलान मतलब इतने का कर देगा, तो ये आजकल हो गया है दोस्तों। तो अभी इस भाई का तो देखो हम तो कोशिश करते हैं कि मैं मतलब किसी भाई का ऐसे चलान कराना जाए, और मैं भी अपनी तरफ से दोस्तों अपडेट देता ही रहता हूँ कहीं भी होते हो 5 नंबर वाले, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों तो अभी भी आप देखो ऑप्शन क्या है कि बस स्टैंड पे अब हमें कई बार सवारी बोल देते हैं भाई यहाँ रोक दो वहाँ रोक दो, कोई बोलता है सिगरेट लेनी है, कोई कहता है पान की दुकान पे रोक दो, ये 2 मिनट के लिए रोको, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, वाटर बॉटल लेनी है, तो हमें मजबूरी में गाड़ी लगानी पड़ती है उस तरफ। अब उसमें हमारी क्या गलती है, पैसेंजर अगर हमें बोल रहा है, अब बस की लाइन तो ऐसी नहीं है कि बस वाले अब जाके सीधे हुए हैं बस वाले, नहीं तो बस वाले पहले कितना झिकझक लेके जाते थे, अब तो ये सब चीज़ें परेशानी होती है। तो दोस्तों आज एक अपडेट ये है, और दूसरा अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ जो आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले, ये किसी बिजनेसमैन का वो एक्सीडेंट हो गया था, टाटा के जो मैन वो थे चेयरमैन, तो उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया, साइरस मिस्त्री सर थे, तो जिनकी वजह से क्या है कि उन्होंने सीट बेल्ट पीछे की नहीं लगा रखी थी, तो उसकी वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अब कंपलसरी सभी को
पैन इंडिया में जो है वो आपका सीट बेल्ट पीछे, अगर आप बैठे हो तो पीछे की सीट बेल्ट आपको लगाना जरूरी है। तो ये अभी एक वीडियो, मतलब मैं अपने उस पर दिखा नहीं सकता आपको, बट ये है कि ट्रैफिक वाले अब इस चीज को चेक कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए। अभी थोड़ा देखने में आ रहा है कि चलाना भी कर नहीं रहे, बट अभी समझा रहे हैं ट्रैफिक वाले, पर ट्रैफिक वालों का भी कोई मूड का नहीं पता दोस्तों, कब वो भी टेढ़े हो जाएं और आपका भी चलान कर दे। तो आप जब भी राइडर को बैठाओ अपनी पीछे की सीट पे, तो सीट बेल्ट हमेशा लगवाओ, क्योंकि आप अपना प्रॉपर चलोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी भी रोकेगा, पर्ची फाड़ेगा, फिर आपको ही भरना पड़ेगा चलान, सवारी तो उतर के निकल जाएगी दोस्तों। तो आज का दोस्तों, अभी मैं यहाँ हूँ सेक्टर 12 में, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो आज का पूरे दिन का काम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मतलब ज़्यादा ये लगा लीजिए खराब भी नहीं है और ठीक ठीक है काम, जो रेगुलर होता है। जो काम मैं 8:30-9 बजे तक कर लेता था, वो मैंने आज 5:30 बजे तक 5:45 बजे तक कर लिया है। और आज का टोटल काम आप यहाँ देख सकते हैं, 2052 रुपये का काम है मेरा आज का। और इसमें जो मेरे को टोल मिला है, एक MCD टोल मिल गया है और एक हरियाणा टोल कल स्टेट टैक्स कल मिलेगा, और एक मुझे यहाँ से जब हरियाणा जा रहा था मैं तब मिल गया था। तो 300 रुपये का मेरे को टोल ये मिल गया है, 2052 रुपये का काम है, 2352 रुपये ये टोटल काम है। और जिसमें से टोल मैं हटा देता हूँ तो हम 2052 के रखते हैं। और CNG मैंने जो डलवाई थी दोस्तों, 460 रुपये की सुबह डलवाई थी और 370 रुपये की अभी दिन में मैंने डलवाई थी। तो आपका 460 और 370 800 समथिंग की CNG, मतलब राउंड फिगर मान के चलिए 800 की CNG में मेरे पास अभी पड़ी हुई है, 150 रुपये तक की CNG है। तो 150 या 200 तक की है, ये लगा लीजिए कि 150 की पड़ी होगी, अभी 2 पॉइंट है तो ये भी लास्ट गिर जाएगा। तो 150 तक की अभी पर CNG है, तो ये लगा लो 650, मतलब 800 की CNG डली है तो 650 रुपये की CNG मेरी कंज्यूम हो गई है। और जिसमें काम मेरा हुआ है 2052 का, 2052 में से 650 आप निकाल लो तो 1400 रुपये की आज की नेट इनकम है दोस्तों। तो मतलब मेरे लिए क्या है कि अभी गाड़ी फ्री है तो मेरी ये नेट इनकम हो जाती है CNG वगैरह हटा के। और आप लोग भी इससे और अच्छा काम कर सकते हो, और जितना आप सुबह जल्दी निकलोगे शेड्यूल बना के, उतना आपकी अर्निंग पे भी मतलब ठीक वो रहेगा। आप रेगुलर देखिए दोस्तों, मैन ये होता है कि अगर आप कैंसिलेशन कम करोगे, कंटिन्यू राइड करोगे तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी। और अगर आप कैंसिल करोगे, अपनी मनपसंद लोकेशन लेना चाहोगे, तो हमेशा मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती, जो हम चाहते वो कभी नहीं होता। तो मतलब करना पड़ता है, ट्रैफिक के साथ भी जूझना पड़ता है। तो एक टाइम का ट्रैफिक जो सुबह का होता है, अगर आप मॉर्निंग में निकलते हो सुबह का ट्रैफिक आप झेल लेते हो, शाम का आप अपने टाइम पे घर आ सकते हो। तो दोस्तों बातें ही होती रहेगी यहाँ पे, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, टिल देन बाय।